बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज से हम स्पीकिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, इट मींस बोलने की मशक। ठीक है, इसमें मैं आपको छोटे छोटे जुमले बताऊंगी, आपने क्या करना है, आपने उनको याद करना है और अपनी डेली लाइफ में इनको बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसको बोलें, अपनी डेली लाइफ में इसको बोलें, अपनी हेजिटेशन दूर करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। ठीक है, चले आए, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्पीकिंग एक्सरसाइज, यूज ऑफ शॉर्ट कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल यूज कहते हैं इस्तेमाल को, ऑफ कहते हैं का की के को, शॉर्ट कहते हैं मुख्तसर को, कन्वर्सेशनल कहते हैं गुफ्तगू को। कन्वर्सेशनल 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 यूज ऑफ शॉर्ट कन्वर्सेशनल मुख्तसर गुफ्तगू का इस्तेमाल। एंड अदर सेंटेंसेस और दूसरे जुमले ऑफ डेली रोजमर्रा के दूसरे फिकरात या जुमले और मुख्तसर गुफ्तगू का इस्तेमाल। ठीक है जी फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जुमले हैं, आपको करवाने का मकसद यही है कि इनको याद करके आप बोलें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें और अपनी हेजिटेशन को खत्म करें। सबसे पहला जुमला है तकल्लुफ ना करो, तकल्लुफ ना करो। डू नॉट बी फॉर्मल प्लीज, डू नॉट बी फॉर्मल प्लीज। आपको मैंने करवाया हुआ ना, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट। इसे हम कह सकते हैं डोंट बी फॉर्मल प्लीज, डोंट बी फॉर्मल प्लीज। मेहमानों को अंदर ले आओ, शो द गेस्ट्स इन, यानी मेहमानों को अंदर का रास्ता दिखाओ। ठीक है, शो द गेस्ट्स इन, मेहमानों के हाथ धुलाओ। हेल्प द गेस्ट्स, मेहमानों की मदद करो, वॉश धोने में, देयर हैंड्स उनके हाथ। हेल्प द गेस्ट्स वॉश देयर हैंड्स। नेक्स्ट है बत्ती जला दो, स्विच द लाइट ऑन, स्विच द लाइट ऑन। बत्ती बुझा दो, स्विच द लाइट ऑफ, स्विच द लाइट ऑफ। पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। देखिए, अब यहां पे सिर्फ ऑन और ऑफ, ये देखिए दो प्रपोजिशंस हैं दोनों, और इससे जुमला कितना चेंज हो गया है। ऑन करने से चलाना होगा फैन का, और ऑफ बंद करना। टर्न ऑफ क्या हो जाएगा, बंद कर दो, द फैन पंखा, पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट है मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दो, तो क्या होगा, ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल। नलका खोल दो, ठीक है, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। नलका खुला हुआ है, द टैप इज ऑन, द टैप इज ऑन। अब ये देखें, अब यहां पे हम करने को कह रहे हैं, हम कहेंगे टर्न ऑन द टैप, यानी नलका खोल दो। अगर हम कहें कि नलका खुला हुआ है तो क्या होगा, द टैप इज ऑन। नेक्स्ट है दिया सलाई जलाइए, स्ट्राइक द मैच, स्ट्राइक द मैच। ज्यादा खुराक पैदा करो, ग्रो मोर फूड, ग्रो मोर फूड। फूल तोड़ना मना है, तो क्या होगा, प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स यानी फूल तोड़ना इज प्रोहिबिटेड, प्रो
prohibited. Prohibited. Plucking flower is prohibited. यानी फूल तोड़ना मना है. Prohibited क्या होता है? मना है. यहाँ मोटर गाड़ी खड़ी करना मना है. No parking here. No parking here. Next है, जोश में मत आओ. जोश में मत आओ. Keep your cool. अपने आप को ठंडा रखो. Keep your cool. Next है, जगह जगह मत थूको. थूकना होता है ना, थूकना. तो वो होता है spit. Spit. तो क्या कहेंगे, जगह जगह मत थूको. Do not spit. मत थूको. Everywhere, हर जगह. तो इसका क्या होगा, do not spit everywhere. या do not की शॉर्ट फॉर्म क्या है, don't. Don't spit everywhere. धूप में नंगे सर मत जाओ. तो क्या होगा, do not go, मत जाओ. Bareheaded, नंगे सर. Bare कहते हैं नंगे को. Headed, सर. Bareheaded in the sun, नंगे सर धूप में मत जाओ. Don't go bareheaded in the sun. उसने एक कुआं लगाया है. He has sunk a well. He has sunk a well. वक्त काटे नहीं कटता. ठीक है, यानी वक्त गुजरता ही नहीं है. Time hangs heavy on me. वो अपने खानदान का रूहे रवा है. तो क्या होगा, He is life and soul of his family. He is life and soul of his family. ये मेरे भाई की निशानी है. This is my brother's keepsake. ये मेरे भाई की निशानी है. This is my brother's keepsake. Next है, यहाँ दीवार पर इश्तिहार लगाना मना है. इश्तिहार लगाने को कहते हैं bill striking. Bill striking. मना को मैंने आपको पहले बताया, prohibited होता है. ठीक है, तो कैसे कहेंगे, bill striking is prohibited here. Bill striking is prohibited here. उसे मुंह ना लगाओ. Keep him at distance. Keep him, उसे रखो. At distance, फासले पर. Distance कहते हैं फासले को. Keep him at distance, यानी उसे दूर रखो. तो उसका क्या होगा मानी, उसे मुंह ना लगाओ. Next है, वो रफू चक्कर हो गया. He made himself scarce. He made himself scarce. आजकल उसका हाथ तंग है. He is hard up these days. He is hard up these days. मैं उसे मजा चखाऊंगा. I shall teach him. मैं उसे सिखाऊंगा a lesson, एक सबक. मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा. मैं उसे मजा चखाऊंगा. I shall teach him a lesson. वो सिनेमा का दिलदादा है. He is a cinema fan. He is a cinema fan. Next है, आजकल आमों का मौसम नहीं है. ठीक है, आजकल आमों का मौसम नहीं है. तो क्या होगा, mangoes are out of season these days. Mangoes are out of season these days. ठीक है जी फ्रेंड्स, आज तो ही मैंने थोड़े से छोटे छोटे जुमले लिए हैं. और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जुमला ऐसे आए तो आपने ऐसे ही बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें, ये है mangoes are out of season these days, कि mangoes का मौसम इन दिनों नहीं है. तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप जुमला अगर बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं oranges are out of season these days. यानी इस तरह
आप कह लो ही इज अ सिनेमा फैन, वो सिनेमा का दिल दादा है। आप कह सकते हो वो लाइब्रेरी का दिल दादा, तो क्या कहोगे, ही इज अ लाइब्रेरी फैन। ठीक है, इस तरह यानी जुमले के अंदर दूसरे जुमले डालकर छोटे जुमले आप बोलने की मश्क करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आप बोला करें अपनी डेली लाइफ में, ताकि आपको इंग्लिश बोलना आसान हो जाए आपके लिए और आपकी हेजिटेशन जो है वो, हिचकिचाहट जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैं छोटे छोटे जुमले आपको करवाती रहूंगी और आपका काम है कि आप उसको डेली इस्तेमाल करते रहें, बोला करें घर में अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ आप बोलें, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।